बीते दिनों से जिस तरीके से वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुखर होकर के बोलते रही हैं, कंगना रावत वर्सेस शिवसेना आपने देखा, संजय राउत ने किस तरीके से वो उनको लेकर के टिप्पणी की, कंगना रनौत का उस पर चैलेंज हुआ, आज कंगना रनौत को मुंबई पहुंचना था, मगर इस बीच में खबर ये कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने कंगना को यह सुरक्षा दी है। हिमाचल सरकार ने दरअसल सिफारिश की थी और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है। दरअसल इस बीच में कंगना रनौत ने एक ट्वीट करके ये कहा था कि उन्हें शिवसेना के कुछ नेताओं की तरफ से धमकी मिल रही है और मुंबई आने से रोका जा रहा है, मगर उन्होंने कहा कि 9 तारीख को मैं मुंबई आऊंगे, जिसको रोकना हो रोक ले। और ऐसे में शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से, कुछ नेताओं की तरफ से ऐसे बयान सामने आए, जिसको लेकर के कंगना रनौत ने एक बार फिर से चैलेंज करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है और ऐसे में मैं आऊंगी, अगर किसी को रोकना हो तो रोक करके दिखाए। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच में सुरक्षा को लेकर के इस पर सवाल उठे और फिर पहले हिमाचल प्रदेश, जहां पर कंगना रनौत का जो पैतृक जो प्रदेश है, गांव है, वहां की सरकार ने इनको सुरक्षा देने की बात की और इसके बाद में हिमाचल प्रदेश ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से सिफारिश की और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी।